कनाडा में एक और खालिस्तानी समर्थक की हत्या कर दी गई है। कनाडा में रहने वाले आतंकी सुखदूल सिंह की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गैंगस्टर गोल्डी बराड और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बम्बिहा गैंग के गैंगस्टर सुखा दोनों के अका सुखदूल के कत्ल की जिम्मेदारी ली है। जिन लोगों ने सुखदूल को गोली मारी उनकी पहचान नहीं की जा सकी। बताया जा रहा है कि आतंकी सुखदूल एनआईए की वांटेड लिस्ट में शामिल था। उसके ऊपर आरोप लगे थे कि वो खालिस्तानी आतंकियों की मदद करता था। सुखदूल पंजाब के मोगा का रहने वाला था। वो 2017 में पंजाब से भागकर कनाडा पहुंचा था। सुखदूल को खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह का करीबी माना जाता है। सुखदूल के कत्ल के बाद मोगा स्थित उसके घर पर पुलिस छापेमारी कर रही है। कुछ ही दिन पहले कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई थी। इसको लेकर भारत और कनाडा के बीच रिश्ते भी खराब होते जा रहे हैं। सुखदूल की हत्या भी निज्जर के जैसे ही हुई है। सुखदूल के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। कानून से बचने के लिए वो भारत छोड़कर कनाडा में शरण लेने के लिए पहुंच गया था। सुखदूल पर ये भी आरोप लगे थे कि उसने फर्जी पासपोर्ट बनवाए थे जिसके सहारे वो भारत से बाहर निकला था। सुखदूल पर खालिस्तानियों को मदद पहुंचाने के भी आरोप हैं। सुखदूल का संबंध मोस्ट वांटेड बम्बिहा गैंग के साथ था जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के रडार पर है। एनआईए ने 20 सितंबर को अर्श डल्ला के गैंग पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। इसके अलावा जांच एजेंसी ने 43 गैंगस्टर्स के साथ सुखदूल का फोटो भी जारी किया था। इससे पहले कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शहर के गुरुद्वारे के पास अज्ञात युवक ने निज्जर को गोली मारी थी। इसे लेकर कनाडा ने भारत पर तीखी टिप्पणी की थी और आरोप लगाए थे कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत का हाथ है। इस घटना की प्रतिक्रिया में कनाडा ने भारतीय राजनयिक को निकाल दिया था। भारत ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए कनाडाई राजनयिक को निकालने के आदेश दिए थे। ताज़ा जानकारी के मुताबिक भारत ने कनाडाई नागरिकों को अपना वीजा देने से भी इनकार कर दिया है।